हाय फ्रेंड, आज के चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। तो डाटा टाइप हमारा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। डाटा टाइप रिप्रेजेंटेड अ डिफरेंट वैल्यू टू बी स्टोर इन द वेरिएबल। ये लोग हम पहले से ही जानते हैं। यदि आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज में या कोई लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें आपको डाटा टाइप के बारे में बताया गया होगा। वही चीज़ है यहाँ पर डाटा टाइप, ठीक है, कि दो टाइप के होते हैं डाटा टाइप हमारे, वही यहाँ पर भी बताया गया। तो फर्स्ट इज अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप को अगर फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बुलियन एक न्यूमेरिक। जो न्यूमेरिक है उनको आगे फिर डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, फर्स्ट करेक्टर टाइप एंड इंटीजर टाइप। करेक्टर और इंटीजर के बारे में आप लोग जानते हैं, बुलियन के बारे में भी आप लोग आशा करते हैं कि जानते होंगे। जैसे कि बुलियन को हम एक बार बता दे रहे हैं, बुलियन हमारा जो होता है ये ट्रू और फाल्स, जैसे कोई चीज़ ट्रू है या फाल्स है वो सिर्फ बताता है, तो ये बुलियन होता है। न्यूमेरिक आप कोई भी अल्फाबेट करेक्टर कुछ भी स्ट्रिंग ये सारे हमारे उसमें आते हैं। अब न्यूमेरिक को करेक्टर में और इंटीजर में डिवाइड किया गया है। इंटीजर को फिर आगे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजरल को टू पार्ट में है, वो है इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अब इंटीजर आगे दो पार्ट में फिर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये हमारे इंटीजर होते हैं। बाइट वाला आप लोग जानते होंगे कि ये बाइट जो होता है वो अपना बोलिए वो होता है बाइनरी नंबर वाला, शॉर्ट है अपना जो शॉर्ट नंबर होते हैं उन्हीं नंबर को। फिर उसके बाद में इंट है, लॉन्ग है, इंट जो इंट में अधिक वैल्यू लेनी होती है तो वहाँ लॉन्ग का यूज करते हैं। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट में आप फ्लोट डबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर साइज जो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइज दी हुई है, जैसे बुलियन की डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है, उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पर इस साइड कॉलम में अपना वो डाटा टाइप है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और यहाँ पर क्या है अपना वो डिफ़ॉल्ट साइज है, ठीक है। तो यहाँ पर बुलियन है, बुलियन को डिफ़ॉल्ट में फास करते हैं और उसके बाद में इसका जो साइज है वो 1 बिट है। करेक्टर की बात करें तो करेक्टर में यहाँ पर करेक्टर में ये वैल्यू यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में होती है 0, और उसके बाद में फिर बाइट टू बाइट का होता है। ऐसे बाइट की बात करें तो बाइट में 0 होता है और इसका जो लेंथ होता है वो 1 बाइट का होता है। शॉर्ट की बात करें तो इसकी वैल्यू 0 होती है और साइज इसका 2 बाइट का होता है। इंट की बात करें तो 0 वैल्यू और बाइट 4 बाइट का होता है। लॉन्ग की बात करें तो 0 एल इसकी वैल्यू होती है और इसका जो साइज होता है वो 8 बाइट का होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट 0 और इसका साइज होता है वो 4 बाइट का होता है। डबल की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू 0.0 डी एंड जो वैल्यू है इसकी वो साइज है वो 8 बाइट का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे पहले सबसे क्लास डिफाइन किया गया है, यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया गया, क्लास का नाम रखा गया है सिंपल। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा है, उसके बाद में मेन के अंदर फिर डिफाइन किया गया है स्ट्रिंग और ARG आर्ग्यूमेंट, ठीक। फिर उसके कर्ली ब्रेसेस में अपना लिखा गया है, एक डिफाइन किया गया है कि इंट ए 10, उसके बाद में इंट वी 10 वैल्यू दी गई है, असाइन की गई है इसमें। फिर उसके बाद में इंट के अंदर इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ए और प्लस बी को ऐड कर दिया गया है। देखो यहाँ पर इंट इसलिए यहाँ पर लिया गया है इसी को कि यदि इंट और इंटीजर को आप ऐड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इंटीजर ही रहेगी। उसके बाद में सी को हम सिंपली प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर प्रिंट एलएन सी में जाके हम प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद में ये हमारा आउटपुट हो जाता है, ठीक है। हम आपको ये प्रोग्राम अपने बताए हुए हैं
कि कैसे प्रोग्राम रन करना है, तो आप वहाँ पर सिंपली जाके रन कर सकते हैं। ठीक है, हम रन कराएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत टाइम ले सकते हैं, टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इन्हीं के बारे में हम अगले वीडियो में सारे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तो आप बने रहिए, हमारे प्ले लिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।